इसका एक बड़ा तबका जरूर चाहता है अनुराग कि उनको मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी जाए, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो बदलाव किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, कड़ी टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर अब अगर उनका इस्तीफा होता है तो सीधे तौर पर उसके बाद नंबर जो आता है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, तो ऐसी स्थिति में उनका लगातार इस बात को लेकर बचाव किया जा रहा है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार के विभागों में बदलाव किया जाए, उनको मंत्रिमंडल से छुट्टी न किया जाए। लेकिन सबसे खास महत्वपूर्ण ये होगा कि कल जो कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है उसमें उन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसके बाद मनीष तिवारी ने साफ तौर पर कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि भाई पवन बंसल इस बैठक में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा पवन बंसल एजेंडे में शामिल नहीं थे, उनका एजेंडा यहाँ डिस्कस नहीं होना था। लेकिन हमें अब इस बात को सोचना पड़ेगा कि लगता है कि कल की बैठक में एजेंडा पवन बंसल ही थे। पवन बंसल और अश्विनी कुमार, जहां तक पवन बंसल को लेकर जो दबाव और तमाम बातें सामने आ रही थी और जो फजीहत हो रही थी कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस जिस नैतिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती रही है कि हमने इस मंत्री को जेल में डाला, उसके लिए ये किया, तो उन तमाम बातों को एक बार फिर सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने अपनी नैतिकता का पाठ दिखाते हुए, अपने आदर्शों के मूल्य को बताते हुए उन्होंने पवन बंसल का आज इस्तीफा लिया है। पवन बंसल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो एक तरह से हटाए गए, लेकिन जहां तक बात अश्विनी कुमार की है, मुझे लगता है कल की कोर ग्रुप की जो बैठक है, जो कि आज होनी थी, कुछ बड़े नेता आज बेंगलोर चले गए थे, वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, तो कल की कोर ग्रुप की बैठक में आज के पवन बंसल के बाद मुझे ऐसा लगता है अश्विनी कुमार को आशीष मिलेगा या फिर अश्विनी कुमार भी जाएंगे, इसको लेकर कल सबकी निगाहें कल की कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक पर टिकी हुई है। मनीष, वैसे राजनीतिक कुंडली क्या बताती है, मतलब अगर पवन बंसल का इस्तीफा हो गया तो क्या इससे एक संदेश ये भी है कि अश्विनी कुमार पर अब दबाव या सरकार पर अश्विनी कुमार के इस्तीफे का दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस्तीफे के लिए हंगामा करने वाले लोग थोड़ा शांत होंगे कि चले पवन बंसल साहब का तो इस्तीफा हुआ। देखिए दोनों बातें, आपने राजनीतिक कुंडली की बात की अनुराग, मुझे ऐसा लगता है राहु और केतु दोनों हावी हैं। अगर आज पवन बंसल के इस्तीफे के बाद अगर राहु से अगर कांग्रेस की कुंडली शांत होती है तो केतु भी मंडरा रहा है, तो इन सारी चीजों के तहत ही मुझे लगता है कि कल कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। अनुराग, पवन बंसल को रेल मंत्री पद से हटा दिया गया है, ये इस वक्त की खबर है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश, अब सवाल ये है कि जो भी हमने पॉलिटिकल रिएक्शन देखे लिए कैप्टन अभिमन्यु से या फिर हमने अतुल अंजान से बात की, अब पवन बंसल के अलावा अश्विनी कुमार साहब की बात करके, अरे चलिए एक काम तो हो गया, अब अश्विनी कुमार का भी इस्तीफा हो जाए, लेकिन 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 सरकारी हलके में, लेकिन राजनीतिक गलियारे में अश्विनी कुमार को लेकर अब किस तरह की खबरें हैं? देखिए जहां तक विपक्ष की बात कर रहे हैं अनुराग, खासकर बीजेपी हमलावर है और सीधे तौर पर कह रही है कि जिस तरह से सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में जो तब्दीलियां की गई और उसके लिए जिम्मेवार कानून मंत्री हैं और कानून मंत्री पर जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां की गई खासकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो ऐसे मामले पर कानून मंत्री को अपने पद से हटाया जाना चाहिए। और विपक्ष लगातार हमलावर है, उसके रुख में अभी नरमी नहीं आई है, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस कोर ग्रुप की जो बैठक कल होने वाली है उसमें क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो है ये मानता है कि उनकी भी छुट्टी की जाए। लेकिन जहां तक बात किया जाए कि जिस तरह से अगर उन्हें मंत्री पद से हटाया जाता है कानून मंत्री को, तो अब सीधे तौर पर निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ऐसी स्थिति में लगातार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कानून मंत्री अश्विनी कुमार की बचाव कर रहे हैं, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक कल होने वाली है उसमें क्या अंतिम फैसला लिया जाता है। अनुराग,